नमस्कार, माँ चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हर्षत माता का टेम्पल। हर्षत माता का टेम्पल दौसा ज़िले के अभनेरी गांव में स्थित है। हम ट्रेन के रास्ते से बांदीकुई उतर के अभनेरी गांव आ सकते हैं। अभनेरी गांव बांदीकुई से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभनेरी गांव जयपुर से 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के परिसर में चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं और उन पत्थरों पर शानदार नक्काशी की गई है जो आप देख सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण राजा चांद ने करवाया था। यह मंदिर अपने इतिहास के लिए फेमस है। जो हमारे इस वीडियो में नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन पे सेट करें जिससे कि आपको हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। यह मंदिर अपने ज़माने का बहुत ही अच्छा मंदिर रहा होगा। यह राजस्थान की प्राचीन वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है जो आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। इस मंदिर के परिसर में बिखरे पत्थरों और उसकी बनी दीवारों पर बारीकी नक्काशी की गई है और साथ ही उन पर देवी देवताओं के चित्र भी बने हुए हैं। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं हर्षत माता के मंदिर में और उसके साथ ही हम पंडित जी से जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ के बारे में। तो अब हम पंडित जी से जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये हर्षत माता जी मंदिर है। ये मंदिर भी लगभग 1500 साल पुराना है ऐसे बताते हैं। गवर्नमेंट बताती है कि इसको 8वीं शताब्दी में बनाया, लेकिन ये बहुत पहले से भी है। इसको ऐसे बताते हैं कि 5वीं-6वीं शताब्दी का मंदिर है। तो इस मंदिर को राजा चांद ने बनवाया था, जिन्होंने ये बावड़ी बनवाई थी। और यहाँ पर पहले एक नीलम की भव्य मूर्ति हुआ करती थी, तो वो बाद में चोरी हो गई। उसके बाद में ये नई प्रतिमा प्रतिस्थापित की गई है। इनका नाम हर्षत माता है। हर्षत माता जी मतलब हर कार्य को सिद्ध करने वाली मातेश्वरी, इसलिए इसका नाम हर्षत माता जी है। और ये जो मंदिर है इसमें चूने सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। इसको सिर्फ पत्थर पे पत्थर रख के ही इसको बनाया गया है। इसमें पत्थर का काम है। और दूसरा कि इसमें जो हर एक पत्थर है उस पर नक्काशी की गई है, कलाकारी की गई है जो कि बहुत अच्छी है। और इसको मुगल काल में तोड़ दिया गया था, इसलिए ये थोड़ा खंडित अवस्था में है। इसलिए यहाँ की जो पत्थरों पे जो मूर्ति हैं वो खंडित अवस्था में है। यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण किया था और उसने इस मंदिर को नुकसान पहुँचाया। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये जानकारी दी। जय हो, माता रानी की जय हो। इस मंदिर के पिलरों पर बारीक नक्काशी की गई है जो आप देख सकते हैं। कितनी शानदार नक्काशी की गई है, कितनी प्यारी नक्काशी है यहाँ की। बहुत ही शानदार, बहुत ही बारीकी से की गई ये नक्काशी। आप इस मंदिर के चारों तरफ की दीवारों पर देख सकते हैं। इस भव्य मंदिर को मुगल काल में आक्रमण करके इस भव्य मंदिर को तहस-नहस कर दिया गया था। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज हम आपको हर्षत माता के मंदिर में जो बिखरे हुए पत्थर हैं उनको पूरी तरह से दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर कितनी प्यारी नक्काशी की गई है, कितनी बारीकी से की गई है नक्काशी। इस मंदिर के परिसर में लगे हुए जो पत्थर हैं उस पत्थरों पे कितनी बारीकी से नक्काशी की गई है, कितनी शानदार है, आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। कितने प्यारे फूल बने हुए हैं जो कि इस मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। इस मंदिर के परिसर में जो पत्थर दिखाई देते हैं इनके हर पत्थर पर बारीकी नक्काशी के साथ साथ देवी देवताओं के चित्र भी बने हुए हैं जो कि इस मंदिर के लिए बहुत ही शोभनीय है। हम सदैव आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे इस चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।